फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा होने वाला है, बहुत दिन हो गए हमने लंबा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अभी हमें अप्रोच करते हैं कि हमारे बच्चे को हम सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दिलाना चाहते हैं, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्यों सैनिक स्कूल में भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, न्यू सैनिक स्कूल क्या है, ई काउंसलिंग क्या है, इस सब की बातें बाद में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी 2024-25 दोनों लिखा मैंने, क्योंकि आरआईएमसी का यूपी सैनिक स्कूल का आरएमएस का एग्जाम होगा 2024 में और सैनिक स्कूल का नवोदय विद्यालय का एग्जाम होगा 2025 में, लेकिन जो तैयारी के सिद्धांत हैं सबसे सारे के सारे सेम हैं। और मैं बिल्कुल फ्री में तैयारी करने का तरीका बताऊंगा, मैं कम खर्च में तैयारी करने का तरीका बताऊंगा, मैं अपने ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताऊंगा, ऑफलाइन जो हमारा देहरादून में विंटर क्रैश कोर्स करेंगे उसका टाइमिंग किस प्रकार से हम कराते हैं, कितना खर्च तकरीबन होगा उसके बारे में आपको जानकारी। सबने हमसे कुछ चीज़ें खरीदनी है ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को अगर आप ये वीडियो दिखाएंगे उनको बड़ा फायदा होगा। जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमसी के एग्जाम देने वाले हैं उनको बहुत लाभ होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम जिस तरह से मैं एनालाइज करता हूं, क्योंकि मैं अभी रिटायर्ड हूं, आप लोग कामकाजी व्यक्ति हैं, आप लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं, आपने बच्चों की पिटाई भी करनी है, पीटीएम भी अटेंड करनी है, किताबें भी लानी है, नौकरी भी करनी है, बॉस से डांट भी खानी है, यदि आप बॉस हैं तो अपने कर्मचारियों को डांटना भी है, अलग अलग स्थितियां। मैडम है उन्हें खाना बनाना है, उन्हें बच्चों का होमवर्क कराना है, उन्हें थोड़ी रील्स भी देखनी है, कुछ हैं एंथुजियास्ट मेरी तरह जिन्हें रील बनानी भी है, तो हमारा दिनचर्या बड़े सारी चीजों में लग जाती है। लेकिन मैं अभी पेरेंट्स को चाहूंगा कि यदि आप अपने बच्चे के सुखद भविष्य की कामना करते हैं तो 2 से 3 घंटे 3 घंटे लिख लेते हैं यदि आप लगाते हैं। एक तो बच्चा अभी सैनिक स्कूल आरआईएमसी मिलिट्री स्कूल निकल जाएगा, नवोदय विद्यालय चलेगा, ठिकाने लग जाएगा, उसके बाद आप सारा दिन रील देख सकते हैं, आप कितना जंजाल आपको आपके सिर से हट जाएगा। दूसरा, बच्चे की लाइफ है व्यवस्थित हो जाएगी, पैसे खर्च होंगे, उसकी लाइफ टफ हो जाएगी और वो सीधी उस पर चल पड़ेगा लेटर ऑन। अभी भी मेरे पास एक भाई साहब आए थे मिलने की, सर हमारा बच्चा सारा टाइम फोन देखता रहता है, माताजी भी उसकी फोन देखते रहते, पिताजी भी देखते रहते, पूरा परिवार इसी बीमारी से ग्रस्त है। तो मुझे तो लगता है कि अगर सैनिक स्कूल के बजाय मैं एक अकेडमी खोलूं नो फोन अकेडमी तो वो पूरी भर जाएगी, 1500-2000 एडमिशन तो एक ही दिन में हो जाएगी, क्योंकि आप लोग सैनिक स्कूल नहीं भेजना चाहते लेकिन आप दुखी हैं कि हमारा बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर रहा है। उसका भी तरीका यह है कि आपको सबको अपने लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। और यदि बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, 10 साल की एज में कंपटीशन दे रहा है नेशनल लेवल का, आगे जाके इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, बिजनेसमैन, जो भी बनना है, बहुत मदद करेगा ये एग्जाम उसको, क्योंकि बहुत जल्दी हमारा बच्चा एक कॉम्पिटेटिव लाइन पर चल पड़ेगा। आगे चलते, ये सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन देखना। आरआईएमसी का 1 दिसंबर 2024 को एग्जाम हो जाएगा, टोटल टाइम बचा जी 60 डेज मात्र आरएमएस का है 8 दिसंबर 2024 को। और इसके बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, दोनों के बारे में अभी बात करें। 70 दिन बचे हैं। यूपी सैनिक स्कूल है जो यूपी वालों के लिए है वो है 29 दिसंबर को, 90 दिन बचे हैं, और जनवरी के पहले दूसरे सप्ताह में हो जाएगा सैनिक स्कूल का एग्जाम, टोटल 110 दिन बचे हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत सारी स्टेजेस में हमारे बच्चे हैं जिसको यदि हमने अभी उनकी पूंछ पकड़ ली तो हमारे काबू आ जाएंगे, अभी भी नहीं पकड़ी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। ये टाइम लाइन आपने ध्यान में रखनी है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट डेट डाला। अब बहुत सारे पेरेंट्स हैं, ये उन पेरेंट्स के लिए भी है वीडियो जिनके बच्चे अगले साल देंगे, उससे अगले साल सैनिक स्कूल के एग्जाम देंगे। सबसे पहले मैडम, सर, भाई साहब, बहन जी, आंटी, अंकल और जो मेरे छोटे हैं उन सबके जो जो संबोधन आपको लगता है कर लो। पेपर का एग्जाम का पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। ये सैनिक स्कूल क्लास 6 का एग्जाम है और एक बहुत ही महान वीडियो जिसमें अभी केवल 5000 व्यूज भी नहीं हो सकते, वो क्लास 6 का 4-5 एग्जाम का सारा सिलेबस मैंने करा है, कौन सा टॉपिक है, कितनी वेटेज आती है, किस एग्जाम में आता है, किस में नहीं आता, आप देख के राजी नहीं। आपको ये 20-25 मिनट का वीडियो बहुत लंबा लगता है कि यार पता नहीं कर्नल अमरदीप क्या बात करेंगे, हम तो नहीं सुनते, हमें वो बंदर फलू को थप्पड़ मार रहा है वो वाला रील देखने में ज्यादा मजा आता है।
तो आप वो देख लीजिए। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं, अब देखिए मैथ्स में 50 सवाल आते हैं क्लास सिक्स में सैनिक स्कूल में, और सैनिक स्कूल का यदि आपका बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो मैथ्स में धुरंधर होना चाहिए। 50 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क का है, नेगेटिव मार्किंग किसी भी एग्जाम में नहीं। लगातार बैठ के क्या आपका बच्चा मैथ्स के 50 सवाल एक बार में कर पा रहा? थक जाते हैं बच्चे, बहुत छोटे, हमने कराए ही नहीं, और हम सोचते हैं अचानक ही ईश्वर की कृपा होगी और फाइनल डे वाले दिन हमारा बच्चा 150 में से 150 नंबर लेकर आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल जो सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था, हमारे ऑनलाइन बैच की एक बच्ची है, वो 150 में से 150 नंबर लाई है मैथ्स में, केवल दिन में 2 घंटे पढ़ते। तो यदि कोई कहेगा पेरेंट की आ रही, तो संभव ही नहीं है, ऑनलाइन बैच का बच्चा है, ऑफलाइन वालों को तो पूछिए मत। 148, 145 इतने नंबर लाए हैं 150 में से मैथ्स में, क्योंकि उनका स्कोर कार्ड आ। दूसरा है जीके साइंस एंड सोशल स्टडीज, 25 सवाल आएंगे, हर सवाल 2 नंबर का, यहां पर 3 नंबर का, और OMR है, कुछ स्टेप्स तो चेक करने नहीं। कुछ सवाल है बच्चा 30 सेकंड्स में कर लेगा, कुछ 1 मिनट में करेगा, कुछ 1.5 मिनट में करेगा, एवरेज आ जाएगा उसका 40-45 सेकंड। स्पीड चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, यूनिट्स का कन्वर्जन आना चाहिए। सैनिक स्कूल का कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, सस्ता नहीं है, इजी नहीं है। आगे है लैंग्वेज, यहां पर हमारी बातचीत होगी थोड़ा सा तसल्ली से। अभी सैनिक स्कूल का फॉर्म आया नहीं है, और अभी आने के बाद, ये मेरा वीडियो बनाने के बाद, बहुत सारे लोग हैं हिंदी भाषी प्रदेशों से हैं, वो इंग्लिश भर देंगे लैंग्वेज। 2 लैंग्वेजेस में होता है एग्जाम, वो बताऊंगा कैसे हो। लेकिन ये भी 2 नंबर का सवाल एक आता है, ऐसे 50 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, तो 50 मार्क्स। और इंटेलिजेंस ये नया टॉपिक है, इसके बारे में आप नहीं जानते। ये 3 तो आप कर सकते हैं अपने आप घर में बैठ के, माताजी पढ़ी लिखी हैं, पिताजी पढ़े लिखे हैं, सब है आजकल, 12वीं पास में आप पढ़ा सकते हैं बच्चे। मैंने आपको बताया था सस्ता कोर्स कैसे करना है, महंगा कोर्स कैसे करना है, फ्री में कैसे करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी जानकारी इस वीडियो में देने, चॉइस आपकी। बिल्कुल बिना पैसे खर्च किए 9 बच्चे केवल हमारे यूट्यूब चैनल से सैनिक स्कूल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं कह रहा 900 चले गए, लेकिन 9 भी 3 है जो 9th में गए हैं, 6 है जो 6ठी में गए हैं, बहुत बड़ी बात है। आप केवल अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरे वीडियोस को ध्यान से देखते हैं, साथ में नोट्स बनाते हैं, तो आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। तो पेपर पैटर्न होना, आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब मैं बताता हूं जी, आप बोलेंगे हमें पूर्व प्रश्न पत्र कहां से मिलेंगे? मेरी ऐप है, द विनिंग एज की ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर, उसमें है 6 प्रीवियस ईयर्स पेपर और इस साल के 5 मॉक पेपर, मॉक टेस्ट 11। टोटल कीमत है जी 249 रुपीज। अभी आप खरीदेंगे, अभी आपके मोबाइल फोन पे डाउनलोड करिए, जाइए प्रिंट आउट ले लीजिए, 100-125 रुपए में प्रिंट हो जाए। 349 रुपीज में आपके सारा आंसर के साथ थोड़े पैसे आप खर्च कर सकते हैं। नहीं करना इंटरनेट पे सर्च करिए, नहीं करेंगे बाजार में जाइए, 100 रुपए की किताब मिल जाएगी। ये तो मैं आपको उन लोगों के लिए है, ये ऐप जहां पर पुस्तकें नहीं मिलती हैं, आप किसी छोटे शहर कस्बे में या साउथ इंडिया में जहां पर सैनिक स्कूल के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, तो पैन इंडिया का पूरे वर्ल्ड में आप इस ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टेंट डाउनलोड। डाउनलोड करके प्रिंट नहीं करना है, लैपटॉप पे देख सकते हैं आप, वो PDF है, आप उसमें आप जाके बड़ा करके देख सकते हैं, बच्चे को फटाफट क्वेश्चन पेपर प्रिंट करके दिए, उसे बोल भाई साहब अपीयर करो, पेरेंट्स ने केवल आंसर चेक करना और बच्चे को बताने। तो पेरेंट्स को लगना पड़ेगा, बच्चा अभी आपका 9 साल का है, ध्यान रखना है, उसका दिमाग 100 ग्राम का है, उसमें आप 150 ग्राम डेटा डालने की कोशिश कर रहे हैं, गलत है। और आपका दिमाग जो 200 ग्राम का है, आप 25 ग्राम उसका यूज कर रहे हैं, और बाकी जो 175 ग्राम है उसमें इंस्टाग्राम की और यूट्यूब की रील्स भरी, ऊट पटांग वीडियोस भरे हुए, ऊट पटांग जानकारी वो भरा, थोड़ा सा यहाँ से 50-75 ग्राम बच्चे को आपने ट्रांसफर करना है। ये एक तरीका है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, तो आपके बच्चे को एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन मिलता है, किस प्रकार के इंटेलिजेंस के सवाल आते हैं, किस पैटर्न के मैथ्स के सवाल आते हैं, इसमें क्या है, हर टॉपिक की वेटेज है, और ये आगे चल के बताऊंगा कैसे तैयारी करें। लेकिन आपने ऐसा प्लान नहीं बताया, आप कहते हैं एक किताब खरीदी हमने, बस बच्चा तो पढ़ ले अपने आप, देखते रहते हैं 2-2.5 घंटे आप अपना फोन पे बात कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मैं उस पर आगे इस पर कमेंट नहीं करना चाहता।
लेकिन आपको लगना पड़ेगा मैडम सर किसी भी एक व्यक्ति को दिन में 2 से 2.25 घंटे बच्चे के साथ लगाने हैं अगर आप चाहते हैं सीरियसली बच्चे का स्कोर एक रिस्पेक्टेबल स्कोर है। आगे चलते, मैंने कहा था भाषा केवल क्लास 6 में बच्चा जो है 13 भाषाओं में एग्जाम दे सकता है और पेपर इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश और हिंदी में आएगा। लेकिन जहां लैंग्वेज पोर्शन था यहां पर ये जो लैंग्वेज था यहां पर इंग्लिश आए, यदि हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो लैंग्वेज की जगह हिंदी आएगा, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। सिमिलरली अगर एसएमएस सेलेक्ट करते हैं तो लैंग्वेज की जगह एसएमएस जाएगा, बाकी पेपर एसएमएस और इंग्लिश में आएगा, कोई भी और लैंग्वेज 13 में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसीजन लेना पेरेंट्स के लिए। इसके साथ एक काउंटर पॉइंट भी बताऊंगा आगे चलते, मराठी या उड़िया पंजाबी तमिल तेलुगु उर्दू में भी है, मलयालम कन्नड़ गुजराती बंगाली असमीज हिंदी एंड इंग्लिश 13 भाषाओं में, और एडमिशन टू क्लास 9 इंग्लिश ओनली, केवल इंग्लिश में आएगा ये पेपर। ये केवल छठी के लिए ये 13 भाषाओं की सुविधा दी है, आप इसका लाभ उठाएं। आगे चलते, जब हमने सैनिक स्कूल की तैयारी करी आप साथ साथ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भरेंगे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की भी तैयारी करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अभी आप देखेंगे इंग्लिश का पेपर पास करना कंपलसरी है। यहां हम लोग कंफ्यूज हो जाए और 35% लाने हैं नंबर, यानी कि 17.5 नंबर लाने हैं बच्चे ने। अब आप कहोगे ये बताने का क्या जरूरत है, बच्चे ने जैसे इंग्लिश का 25 नंबर का पेपर कर लिया, 22 नंबर का पक्का कर लिया, उसको बोलो आगे जाओ बाकी पेपर कर लो भाई, ताकि यहां पर, और ये मेरिट में काउंट नहीं होते हैं, क्लास 6 का जो एग्जाम है आरएमएस का वो 150 में से ही होता है, 200 में से नहीं होता, सैनिक स्कूल का 300 में से, कट ऑफ भी बताऊंगा, सब कैटेगरी का कट ऑफ बताऊंगा। यहां पर यदि आप एससी एसटी हैं उस पर हम कट ऑफ की बात नहीं कर सकते, वो कुछ भी कट ऑफ हो सकता है, लेकिन जनरल एंड ओबीसी के लिए 135 ये है सेफ स्कोर 150 में से, बहुत नंबर लाने आप, इंग्लिश में पास करना जरूरी है। यहां पर बच्चा 150 में से 150 ले आया और इंग्लिश के पेपर में 15 नंबर लाया तो चेक ही नहीं होगा उसका पेपर। इसलिए मैंने कहा पेपर पैटर्न समझना जरूरी है, अपने बच्चे को समझाना जरूरी है। जितने भी मेरे फौजी भाई हैं स्पेशली मेरे तरह इन्फेंट्री वाले हैं जिन्होंने आपके बच्चे की किताबें कभी खोल के नहीं देखी हैं, वो ये वीडियो देखो, अपनी मैडम को भेजो घर में कि भाई ये कर्ण अमरदीप का वीडियो आ गया है, ये आपने जांच करनी बड़ी जरूरी। यहां पर आपको 13 भाषाओं की सुविधाएं नहीं है। दूसरा, यहां पर इंग्लिश कंपलसरी है, तो मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है यदि बिल्कुल ही आज तक उन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ा है स्कूल में, बच्चा थोड़ा कमजोर है तो वहां हिंदी सेलेक्ट कर ले, मलयालम सेलेक्ट कर ले, लेकिन यहां पर बच्चे का कम से कम 17.5 नंबर लाने तक की तैयारी आपने करानी है। इसके लिए पूर्व प्रश्न पत्र आपने कराने। अब आ गया जी, एक आर्मी हेडक्वार्टर से चिट्ठी आई है कि आरएमएस का पेपर होगा ऑनलाइन, वही चिट्ठी लास्ट है। अब आरएमएस ने क्या किया, अभी जब नोटिफिकेशन दिया एग्जाम का जो डेट आई है उसमें लिखा है ओएमआर बेस्ड, आपस में ही उनका क्लियर नहीं, तो मैं चाहूंगा कुछ पेरेंट आरटीआई डालें और पूछें भैया कैसे लोगे पैटर्न, कैसे पैटर्न होगा, कैसे पेपर लेंगे। लेकिन एज गुड पीपल एज गुड पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को ऑनलाइन भी तैयारी कराए, और ऑफलाइन तो बच्चा कर ही रहा है, लिख के तो कर ही लेगा, लेकिन यहां पर कंप्यूटर में मार्क करना है। तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर 699 रुपीज का कोर्स है, 5 पेपर मिलेंगे, लेकिन ये ऑनलाइन प्रैक्टिस है, कॉम्प्लिकेटेड है, और वही 11-12 पेपर जो हैं वो केवल 249 रुपीज थे, वो भी हर महीने हम 2-3 बार डिस्काउंट देते हैं। अगर आप टाइम करेंगे अभी गांधी जयंती पर डिस्काउंट मिलने वाले 25% और डाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इंटेलिजेंट काम भी करना है, कुछ नहीं करना, आप यूट्यूब सब्सक्राइब करके रखेंगे हर चीज आती रहेगी। आप ये पेपर पैटर्न समझना जरूरी है, और उसमें दूसरी चीज समझना ये जरूरी है कि मैथ्स में जनरल नॉलेज और इंटेलिजेंस ये बिल्कुल सेम है, लेकिन मैथ्स की वेटेज बहुत कम है, यहां पर 50 नंबर ही है केवल, सैनिक स्कूल में 150।
तो जहां पर वहां मैथ्स का बहुत ज्यादा वेटेज है, यहां पर वेटेज उतना नहीं है गणित का, तो बच्चे को कम से कम इतने सवाल करने आने चाहिए मैथ्स का। एक नंबर का एक सवाल है, खट 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 कर रहा। आगे चलते, यहां पर नाइन्थ में जो सैनिक स्कूल है, मैथ्स अगेन 50% है, 200 मार्क्स मैथ्स, 50 मार्क्स आपके हैं इंग्लिश के कंपलसरी है, उसके बाद इंटेलिजेंस है, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस है, यह टोटल 400 मार्क्स है। 400 में से सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए 350 है, डिफेंस के लिए भी इतना ही, और एससी एसटी भी अगर 290 से कम मार्क्स है उनका भी चांस ले लेंगे, सीटें बहुत कम। ये आपने फिगर भी ध्यान में रखना है। 300 में से सेफ स्कोर 270 है जनरल ओबीसी के लिए, डिफेंस के लिए 250 है, एससी एसटी की हम बात नहीं करेंगे, कई स्कूल हैं जहां 180 वाले को मिल गया, 150 वाले को मिल गया। लेकिन जहां तक एनएसएस की बात है, न्यू सैनिक स्कूल जो कि अभी तक छठी में एडमिशन ले रहे थे, 200 सेफ स्कोर है अभी, तो क्योंकि सीटें नहीं भर रहे हैं तो 160 वाले को भी कॉल लेटर चला गया, लेकिन अभी आधा साल बीत चुका है, ये भी आपने ध्यान रखा। आगे चलते, बताओ क्या तैयारी कैसे करें, मेन मुद्दे पर आ रहा हूं। आरएमएस में हिंदी भी आता है नाइन्थ में, तो हमारे उत्तर पूर्व के क्षेत्र के और दक्षिण भारतीय जो लोग हैं जो कहेंगे हिंदी नहीं पढ़ना है, वो यहां पढ़ना पड़ेगा, 20 नंबर का पेपर आता, 30 नंबर है इंग्लिश, मार्क्स भी उतने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी उतनी, इंग्लिश 50, और ये जो क्वेश्चन पेपर है बाइलिंगुअल नहीं है, ये केवल इंग्लिश में आएगा, केवल इस पोर्शन को छोड़ के, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो जब प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे, क्लास 9 के भी पेपर अपने पास आरएमएस का 249 वाला भी है, इसमें आपको 11 पेपर मिल जाएंगे, 699 में ऑनलाइन वाले 5 पेपर मिलते हैं। और ये नहीं करना है, हमारा यूट्यूब चैनल करेंगे बिल्कुल फ्री है, बहुत सारे पेपर सॉल्व करें हम, लेकिन आप सर्च नहीं करते हैं, आप लिखे सैनिक स्कूल क्लास 9, वो सारे वीडियो खुल जाएंगे इकट्ठे, अपने आप पढ़ाई कर लो। अब लोग कहते हैं कि पूरी थाली सजा के हमें दीजिए, गुरुजी बच्चा आपका बनेगा अधिकारी, आप इतनी मेहनत करें थोड़ा आपको भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिले, तो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखें, थोड़ा अपनी अंतरात्मा को झकझोरें और काम करें। अब यह जी मेन तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहला सिलेबस और पेपर पैटर्न बहुत जरूरी, जो नोटिफिकेशन आता है उसमें सिलेबस जनरल लिखा होता है, लेकिन अगर आप गाइडबुक ले लेंगे 6 के, तो गाइडबुक आप हमसे ले सकते हैं, हमारी गाइडबुक के लिए एक अलग वीडियो बनाने वाले। पीवाईपी एंड मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, या पीवाईक्यू बोलते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट हैं, ये बच्चे को कम से कम एक साल में 30 करने हैं, अभी अगर 15 कर लेगा अभी से लेकर एग्जाम तक काफी हैं, वो यहां लिखा हुआ है मैंने। ऑनलाइन पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं आरएमएस के लिए, 6 के लिए भी, 9 के लिए, क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर की जो चिट्ठी है वो लास्ट में ऑनलाइन कह रहा है, और फौजी व्यक्ति हैं वो, एक बार उनका दिमाग घूम गया तो घुमा रहता है, वो ऑनलाइन करके रहे। ऑनलाइन की तैयारी करिए, ऑफलाइन आ गया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑफलाइन की तैयारी करिए, ऑनलाइन आ गया तो बच्चा मारा गया, 15 से 20 नंबर का फर्क पड़ता है अगर बच्चे ने उसकी पहले से प्रैक्टिस नहीं करी, इसलिए बता रहा हूं। अब है जी हमारा क्लास 6 का सैनिक स्कूल आरएमएस का यूट्यूब पर दिन में प्रतिदिन 3 घंटे की क्लास चल रही है फ्री। लोग कहते हैं हमें बैच में ऐड कर दो, अरे क्या बैच में ऐड करना है, ये चैनल पर आइए, रोज लाइव क्लास है, 4 से 5 है, 8 से 10 है, आप कर ही नहीं रहे, आपको हर चीज के लिए कर्नल साहब चाहिए कि चम्मच हमारे मुंह में डालेगा, ऐसा नहीं होता गुरु, अपने आप आत्मनिर्भर बनिए। आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप के फ्री कंटेंट में इसका सारा मटेरियल भी मिल जाएगा, 2-2 वर्कशीट मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, आप वो भी करके राजी नहीं। एक तो कहते नहीं आप ही हमें भेजो, लिंक भेजो, किताब मैं बोलता हूं अरिहंत की किताब खरीदो, इसकी खरीदो, वो कहते नहीं हमें लिंक भेजो, अमेजोन पे इतना सर्च नहीं करते। आज अगर रिश्तेदार की किसी की शादी अनाउंस हो जाए, सारी आपने कपड़े खरीदने वाली साइट्स को झकझोर देना है, बिल्कुल इलाज जाकर एकदम, लेकिन बच्चे की किताब नहीं ढूंढी जा रही है, नाम भी बता रहे हैं। YouTube पर फ्री कोर्स क्लास 6 का है, 9th के लिए सारे वीडियोस हैं,
और ऐप वाला कोर्स है हमारा, केवल पूरे साल का कोर्स है 1749 रुपीज का, 2000 भी नहीं है, टैक्स वैक्स सब शामिल है इसमें। एक साल तक वैलिडिटी है, एक साल तक हम आपके पास दो सेट वर्कशीट के दे देंगे, दो सेट क्वेश्चन पेपर के डाल, पर आप करिए तो सही। हम गरीब परिवार से आते हैं तो अगले साल से 2 लाख रुपए फीस भी दोगे आप, तो अभी 2000 रुपए खर्च कर लो, वो भी नहीं करना, फ्री कोर्स कर लो। 9th का आपने आप रिसर्च करिए ना, क्लास 6 का तो मैं करा रहा हूं, अब लोग कहते हैं आप 9th का भी फ्री में कराओ, मैंने कहा आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है, सारे के सारे यूट्यूब इतना बड़ा रिसोर्स है लेकिन आपने उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करी है। अब है बच्चे का रूटीन सेट करें, पूरी फैमिली का रूटीन सेट करें, सुबह आधा घंटा जल्दी उठ जाएगा, रात को 1 घंटा लेट सोएगा, 1.5 घंटा भी नहीं। दशहरा मनाइए, दिवाली मनाइए, ईद मनाइए, क्रिसमस मनाइए, सब करिए, लेकिन टाइम उसका कम कर दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कर रहा है, वो आगे शादी में 4 दिन पहले कैंप नहीं कर लेना, वहां रुक जाओ ना, आपको अपने बच्चे को उतना ही तवज्जो देना पड़ेगा। शाम को मैडम की सहेलियां आ गए, भाई साहब के दोस्त आ गए, अभी हम यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, मत करो अभी से लेकर, मैंने बताया 110 दिन है, 110 दिन व्रत रख लो आप। पोमोडोरो होता है, इसके बारे में पढ़िएगा, बहुत सारे वीडियोस हैं। बच्चे ने पढ़ाई शुरू करी, मैडम की फ्रेंड्स आ गई, छोटी बहन वहीं खेल रही है, और छोटा बच्चा नया पैदा हुआ है, उसने उसी समय रोने का कार्यक्रम चालू कर दिया, अरे उसको बाहर ले जाओ घुमाने। अपने बच्चे को बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन के बिना, आपके फोन का रिंगर ऑफ होना चाहिए, मेरे पास 3 फोन है, तीनों के रिंगर ऑफ रहते हैं, एक भी चीज मेरा जरा सा रिंग भी आता है बच्चे का ध्यान वहां भाग जाए, टीवी ऑन करेंगे जोर जोर से बोलेंगे बच्चे का ध्यान भटकेगा। और पोमोडोरो करने का तरीका क्या है, बोलो बेटा ये 4 चीजें हैं, 25 मिनट पढ़ो, 10 मिनट की ब्रेक लेंगे, उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा या पूछूंगी, फिर 25 मिनट पढ़ो, इस प्रकार 25-25 मिनट के 4 आपने उसके स्लॉट लगा दिए, दिन में 2 घंटे में जितना बच्चे ने करना कर, जो चीज हो जाता है, सैनिक स्कूल में रटने का कुछ नहीं, करने का सब कुछ है, प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट का एक पैटर्न कहीं से भी खरीद लें, बाजार से खरीद लें, इंटरनेट से कर लें, डाउनलोड कर लें, हमारी ऐप से ले लें, वो कोई आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन उसको एक क्वांटिफाइड काम दे कि आज हमने मैथ्स के 50 सवाल करने हैं, भाई साहब टिक के बैठो, ये 50 करके ही उठेंगे आप। उसके बाद बच्चे की जो सोना है, डाइट है और एक्सरसाइज है, तीनों पर ध्यान देना है, उनको गुलाब जामुन और बिल्कुल टूथपिक दोनों बचने से बचा। तो आपने ये सब, समय पर सोना, समय पर जगना, उसके बाद आप लोगों ने बच्चे के सोने का झगड़ा शुरू कर दिया, ये कर दिया, बजट बनाने लग गए, शादी की प्लानिंग शुरू कर दी किसी रिश्तेदार की, वो सब बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और एक मैं सबको कहता हूँ, बच्चे के लिए एक स्टडी टेबल चेयर लगाइए, उस पर टेबल लैंप लगाइए, बच्चे को जैसा वातावरण देंगे बच्चा वैसे बन जाए। आगे डिस्ट्रैक्शन बता दिए, ये बता दिए, यूट्यूब पर आप रहें, प्रैक्टिस, जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, अभी उन्होंने कम से कम 5 प्रीवियस ईयर पेपर 10 मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जो अभी सेकंड रिवीजन वाले हैं कम से कम 5 प्रीवियस पेपर 5 मॉक टेस्ट करें, जो इस वीडियो को देख के जागे हैं वो एक क्रैश कोर्स कर लो, और 5 पेपर कम से कम आपने करना है। मैं सिपाही हूं, मैं बिना तैयारी के युद्ध के मैदान में जाने को रिकमेंड नहीं करता हूं। कई लोग कहते हैं अरे हमारा बच्चा ठीक है उसको ऐसे भेज दो, बच्चे का मोरल डाउन हो जाएगा, तैयारी कर ले, 110 दिन है सैनिक स्कूल के एग्जाम में, 110 दिन बिल्कुल सब व्रत रखें, पोमोडोरो फॉलो करें, रूटीन सेट करें, और आप देखें कितना चेंज आएगा लाइफ में, क्योंकि ये कंपटीशन की शुरुआत है, बहुत लंबा बच्चे ने सफर तय करना है, उसको सही आदतें देके भेजें। और एक जो मैं हर एक को बताता हूं कि भाई YouTube इतना बड़ा साधन है हमारे पास, इसको आप नेगेटिव यूज करेंगे तो पूरा का पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा आपका, इसको पॉजिटिव यूज करेंगे, दिन में 3 घंटे बच्चा यहां से पढ़ रहा है, पेरेंट पढ़ के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कैसे एक्सेल करना है, कैसे गूगल शीट करना है, कैसे कैलेंडर बनाना है, कैसे रिमाइंडर सेट करना है, कैसे बिजनेस प्लान लिखना है, सब कुछ मैं यूट्यूब से सीखता हूं, अभी भी 54 ईयर्स मेरी एज है, ताकि आप लोग मेरे को गंभीरता से लें। जो मैं अभी पढ़ रहा हूं आप क्यों नहीं पढ़ रहे, आप तो 30-35-40 साल के भी नहीं, सोचने वाले को। अब आता है जी हमारे पास ऑप्शन क्या क्या, हमारे पास ऑप्शन है YouTube पे क्लास 6 के लिए फ्री कोर्स है, क्लास 9 के लिए सारा कंटेंट मौजूद है, हमारी ऐप पर प्रीवियस ईयर पेपर्स मॉक टेस्ट सब एग्जाम के हैं अपलोडेड, कीमत पूरे सेट की 249 रुपीज है, ऑनलाइन वाला 699 रुपीज है।
हमारी जो किताबें हैं चारों किताबों का सेट, अगर डिजिटल बुक्स खरीदते हैं 699, और अगर प्रिंटेड बुक खरीदते हैं 1239 उसकी कॉस्ट है, क्लास सिक्स की, नाइन्थ की अभी हमारी बन रही है किताब। जब आप 1239 का कोर्स खरीदते हैं हम आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट कूपन देते हैं साथ में, उसमें 1749 रुपीज का कोर्स है वो आप लगाएंगे तो कोर्स केवल 749 रुपीज का है। सिंपल मैथ्स है पर आप करेंगे नहीं, और एक साल वैलिडिटी है इस कोर्स की, मतलब हम इस एक साल तक आपको अपडेट देते रहते हैं, बाकी लोग नहीं दे रहे। बाकी लोगों ने किताब बेची 350-400 के निपट, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। अब है हमारा क्रैश कोर्स, आरएमसी का आज से शुरू हुआ क्रैश कोर्स, दिन में 4 से 9 बजे तक हमारे बैचेस चलते हैं, कोई भी एक कोर्स 2 घंटे की क्लास चलती है, लेकिन हम पहले वीडियोस भेजेंगे, क्लास के रिकॉर्डिंग भेजेंगे, बहुत सारे सवाल हम करते हैं, बहुत सारे मैराथन सेशन करते हैं, बहुत दमदार टीचर्स की टीम है। अब मैं देश में नंबर 1 हूं ऑनलाइन कोचिंग में, वो क्यों हूं आप जानते हैं, क्योंकि हमारे जो फैकल्टी मेंबर है वो इस लेवल के हैं, मतलब 80% जो टीचर्स हैं मेरे वो बहुत सीनियर सैनिक अधिकारियों की पत्नियां हैं, जिन्हें 20 से ज्यादा वर्ष पढ़ाने का अनुभव है अपने सब्जेक्ट, और पिछले 4 साल से वो कुछ और कर ही नहीं, वो यही कर रहे हैं। भाला हमारा जो बहुत लंबा है उसकी चोंच बहुत तेज है, तो बिल्कुल फोकस्ड है, और मेरे जैसा व्यक्ति उस टीम को लीड करता है, नया कुछ भी होता है 1 सेकंड में मैं आप तक पहुंच जाता हूं। रात को 1 बजे में मैं रील बना के डालता हूं, भाई ये अपडेट आ गया है, ये पेपर आ गया है, ये फॉर्म ऐसे भरना है, और आप जानते हैं ये कर सकते हैं क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर, महंगा पड़ता है, ऑनलाइन कोर्सेज महंगे, डिजिटल कोर्स में क्या मिलेगा, 1749 रुपीज मान लीजिए आपने खर्च कर दिए, इसको आपको सारे वीडियोज मिलते हैं, सारी क्लास रिकॉर्डिंग मिलती है, हर टॉपिक की 5 वर्कशीट मिलती है, हर एक टॉपिक का वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, पीवाईपी है, मॉक टेस्ट पेपर, सारा का सारा कोर्स मात्र इतने में खरीद सकते हैं आप। करने के लिए कुछ भी नहीं करना आपने, 7417656633 पर हमें व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, कॉलिंग नंबर नहीं, हम पक्का 48 घंटे के भीतर आप तक मैसेज के द्वारा, कॉल द्वारा पहुंच जाते हैं। कई बार थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत चल। अब हम एक विंटर क्रैश कोर्स करने वाले देहरादून में, जो बहुत ही सीरियस है, बहुत ही गंभीर है, मैं चाहूंगा पैसे थोड़े खर्च करें क्योंकि यहाँ हॉस्टल महंगा, और केवल 45-50 डेज के लिए मैं चाहता हूं आपका बच्चा हमारे पास आए, और जितने रिवीजन हम करा सकते हैं, जितने मॉक पेपर्स करा सकते हैं, उनको तो प्रॉपर इंस्टीट्यूट में ले जाकर बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट भी करवाएंगे। तो ये हम सब कर रहे हैं, हमारी टीम है 40 लोगों की, एक लंबी चौड़ी टीम है, उनका खर्च निकलना है तो फीस तो लगेगी, हम सस्ते नहीं, लेकिन जो फ्री वाले काम है, जो ये है, वो सब उसकी ऑप्शन आपके पास है, उसमें आपको लगे हमें लगाएंगे, अब तो पैसे चार्ज करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं यूट्यूब पर जो फ्री कोर्स है क्लास सिक्स के बच्चे उसको पक्का अटेंड करें। आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप कहीं और पढ़ रहे हैं, कोई नहीं है, वो यूट्यूब वाली क्लासेस सबके लिए, और आप देखेंगे किस क्वालिटी के हमारे टीचर्स हैं और कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। इस वीडियो का एम था आपको झकझोरना, थोड़ा जागृत करना, और बताना है कि कैसे कम से कम खर्च करके आप इन 60 दिन 70 दिन 90 दिन और 110 दिन का फायदा उठा सकते हैं, और अपने बच्चे को 15 से 17 नंबर का फर्क पड़ेगा अगर इस वीडियो में बताई हुई बातों पर अमल करेंगे तो। और आपका बच्चा किसी बी ग्रेड स्कूल में जाता उसको ए ग्रेड मिल जाएगा, जो ए वाला था टॉपर्स में आ जाएगा, और बहुत आपको सुविधाएं मिलेंगी, बहुत आपको सहूलियत मिलेगी अगर आप इन वीडियोस को सीरियसली लेते हैं। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।